ओके गाइस, सबको हेलो। और आज हम शुरू करेंगे हमारी दूसरी यूनिट जिसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्चेस। ओके, सो देखो, रिसर्चेस बहुत टाइप की होती हैं। यहाँ पे मैं आपको पांच रिसर्चेस टाइप्स पढ़ाऊंगा, ठीक है? और आइए समझते हैं कि ये रिसर्च टाइप क्या है और कैसे इसको हम समझ के इसमें से क्वेश्चंस को हम इजीली एग्जाम में कर सकते हैं। देखिए, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, ये पांच टाइप्स की रिसर्चेज हैं जो बहुत कॉमन रिसर्चेज हैं, ठीक है? हम इन सभी रिसर्चेज को वन बाय वन समझेंगे कि बेसिक रिसर्च क्या है और क्या इसके क्वालिटीज हैं, क्या इसके पैरामीटर्स हैं, वो हम इसमें समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट रिसर्च है बेसिक रिसर्च। तो गाइस, बेसिक रिसर्च को हम और बोल देते हैं थ्योरेटिकल रिसर्च, प्योर रिसर्च, एंड इसको और बोल देते हैं हम कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। ओके गाइस, सो बेसिक रिसर्च होती है और इसमें हम सिर्फ नॉलेज को एनहांस करने के लिए इस रिसर्च को करते हैं। जो भी रिसर्चर्स हैं जो इस रिसर्च को करते हैं, उनका मेन मोटो होता है एग्जिस्टिंग नॉलेज में इंक्रीज करना। ओके, ये जो रिसर्च है ये स्पेसिफिक टू जर्नल मूव करती है। अब ये स्पेसिफिक टू जर्नल क्या होता है? देखिए, दो और टाइप की रिसर्च भी होती है, इंडक्टिव रिसर्च एंड डिडक्टिव रिसर्च। रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव का मतलब होता है जनरल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव का मतलब होता है स्पेसिफिक टू जनरल। तो जो हमारी बेसिक रिसर्च है इसको हम स्पेसिफिक टू जनरल रिसर्च भी बोलते हैं। एग्जाम में बहुत टाइम क्वेश्चन पूछते हैं कि बेसिक रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज, तो वहां पे आपके पास फोर ऑप्शंस होती हैं, जनरल टू स्पेसिफिक या स्पेसिफिक टू जनरल। तो ये सभी क्वेश्चन जो होते हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, बट अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि बेसिक रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज, सो थ्योरेटिकल रिसर्च वहां पे ऑप्शन में हो सकता है, प्योर रिसर्च हो सकता है एंड कॉन्सेप्चुअल रिसर्च हो सकता है, ठीक है? तो जो थोड़ा सा नॉलेज हमारे पास है उसको एनहांस करने के लिए, उसमें और इंक्रीज करने के लिए हम बेसिक रिसर्च करते हैं, ठीक है? सो इसका फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया। सेकंड है, इट इज स्पेसिफिक टू जनरल रिसर्च, ठीक है? तो स्पेसिफिक नॉलेज, जो थोड़ा बहुत नॉलेज हमारे पास होता है उसको एनहांस करते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं स्पेसिफिक टू जनरल रिसर्च। ओके, देन थर्ड आता है, इट इज डन फॉर नॉलेज सेक। अभी आपको मैंने बताया कि ये सिर्फ नॉलेज के लिए रहती है, और इसका एक नाम यहाँ पे थ्योरेटिकल रिसर्च भी है, तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल थ्योरी बिल्डिंग हम बोल सकते हैं कि फॉर द थ्योरी बिल्डिंग हम इस रिसर्च को यूज करते हैं। वही आपका फोर्थ पॉइंट भी है, तो फोर्थ पॉइंट इज इट इज यूज इन द थ्योरी बिल्डिंग, ठीक है? फिफ्थ है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन से हमारा मतलब क्या होता है कि इसको हमने यूनिवर्सल बनाना होता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि इसको बना के रख दिया, लेकिन ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी होनी चाहिए, यूनिवर्सली ये एक्सेप्टेड भी होनी चाहिए। तो जनरलाइजेशन भी रिसर्च जो होती है वो बेसिक रिसर्च है। फिफ्थ आता है, सिक्स पॉइंट है, इट इज आंसर्स क्वेश्चंस लाइक व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर देती है, जैसे किसी रिसर्च में अगर हमें ये बताना है कि ये चीज क्यों हो रही है, ठीक है, कैसे हो रही है, तो हम और क्यों हो रही है, तो हम बेसिक रिसर्च का यूज करते हैं, ठीक है? और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे कि मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, जो थ्योरीज बनी हुई हैं जो हम पढ़ते हैं, टेंथ में पढ़ी होंगे, मैट्रिक लेवल तक हम थ्योरीज पढ़ते हैं मैथ में, साइंस में, वो सब आपके बेसिक रिसर्च के ही एग्जाम्पल हैं। ओके गाइज, तो ये थी आपकी बेसिक रिसर्च। आगे मूव करते हैं अप्लाइड रिसर्च। ओके, तो देखो बहुत सिंपल सा है, जो बेसिक रिसर्च थी हमारी वो सिर्फ थ्योरेटिकल होती है, ठीक है, उसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं होती है। लेकिन जो हमारी अप्लाइड रिसर्च है उसका फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, ये प्रैक्टिकल रिसर्च होती है। हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने करने के लिए हम इस रिसर्च को यूज करते हैं। ओके, सो सेकंड पॉइंट आप देखेंगे, इट इज सॉल्यूशन टू
स्पेसिफिक प्रॉब्लम, तो कोई प्रॉब्लम है और उसको हमने सॉल्व करना है तो हम अप्लाइड रिसर्च का यूज करते हैं। यूज ऑफ एप्लीकेशन, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज करके हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। और क्या है फोर्थ पॉइंट है इसका, रियल लाइफ सिचुएशंस। तो रियल लाइफ सिचुएशंस मींस जो रियल लाइफ इवेंट्स होते हैं, ठीक है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, वहां पे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का यूज करते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च। ठीक है, तो इसका कुछ आउटकम निकलेगा, हम जब ये रिसर्च को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये एक्शन होगा इसमें। ठीक है, कुछ स्टेप्स होंगे और उन स्टेप्स के बेस पे हम स्टेप्स के एंड पॉइंट में कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, कुछ आउटकम निकल के सामने आएगा। सिक्स्थ पॉइंट है आपका अप्लाइड रिसर्च का, ये है गवर्नमेंट पॉलिसी जितनी भी बनती हैं पहले अप्लाइड रिसर्च होती है। ठीक है, और ये बहुत लार्ज स्केल में होती है, जो अप्लाइड रिसर्च है बहुत लार्ज स्केल में होती है, एक्सटेंसिव इन नेचर होती है और बहुत ज्यादा डाटा कलेक्ट करके बहुत लार्ज स्केल पे रिसर्च को करके हम पॉलिसीज बनाते हैं, जो गवर्नमेंट की गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आती हैं वो अप्लाइड रिसर्च पे बेस्ड होती हैं। सेवन्थ पॉइंट है हमारा, इट मे बी डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल। तो ये भी टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं, एक्सपेरिमेंटल भी रिसर्च होती है, डिस्क्रिप्टिव भी होती है और डायग्नोस्टिक भी होती है। ठीक है, तो इस रिसर्च को करके, अप्लाइड रिसर्च को करके हम ये पता करेंगे कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम डिस्क्राइब करने वाले हैं, उसको डायग्नोज करने वाले हैं, या फिर उसको हम एक्सपेरिमेंट करके उसका कुछ रिजल्ट निकालने वाले हैं। ठीक है, देन इसका एट्थ पॉइंट है, इट प्रोड्यूसेस न्यू फैक्ट्स। ठीक है, तो जैसे कोई प्रॉब्लम, मैंने पहले कहा था जो सेकंड पॉइंट है आपका, ये जो रिसर्च है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस रिसर्च को करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एप्लीकेशन। तो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे आपने एप्लीकेशन लगाई तो जब रिजल्ट आएगा तो न्यू फैक्ट्स सामने आएंगे। ठीक है, ये इस रिसर्च का आउटकम होता है। अब देखो एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। शिमला का मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। शिमला में 2015 में सभी जानते हैं शिमला जो है वो एक टूरिस्ट स्पॉट है और टूरिस्ट का इनफ्लो यहाँ पे 12 मंथ्स चला रहता है। ठीक है, सर्दियों में लोग यहाँ पे बर्फ देखने आते हैं और गर्मियों में लोग यहाँ पे गर्मी से निजात पाने के लिए आते हैं। तो शिमला में क्या हुआ था, 2015 में जॉन्डिस फैल गया था। ठीक है, जॉन्डिस आउटब्रेक हुआ था और पूरा पूरे शिमला सिटी में जॉन्डिस फैल गया था। अब अगर उस टाइम पे, क्योंकि ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, एज ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम जॉन्डिस फैल गया है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहां पे कोई ना कोई रिसर्च की गई होगी। ठीक है, अगर इसको मैं एक और एक तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो हम ये बोल सकते हैं कि वाई इनबाउंड टूरिज्म इन शिमला डिक्रीजेज इन 2015, कि 2015 में, क्योंकि हर साल टूरिज्म टूरिस्ट बहुत सारे टूरिस्ट शिमला में आते हैं, लेकिन 2015 में टूरिस्ट का इनफ्लो शिमला में कम हो गया था। तो हम ये रीजन फाइंड आउट करेंगे, प्रॉब्लम ये है कि क्यों क्यों टूरिस्ट का इनफ्लो कम हो गया, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च करेंगे कि क्यों क्यों ऐसा क्या कारण रहा होगा कि शिमला में टूरिस्ट का जो इनफ्लो था वो कम हो गया। ओके गाइस, तो ये थी आपकी अप्लाइड रिसर्च।